हेलो गाइस, दिस इज संदीप, आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। अज दी वीडियो बड़ी खास है क्योंकि अज मैं तुहानू होर चीज़ां सिखाऊंगा जो तुहाडी स्पोकन यानी कि तुहाडी इंग्लिश दे रिलेटेड ने ते डेफिनेटली तुहाडी बहुत ज़्यादा हेल्प करनगियां ते तुहानू बहुत सारी नॉलेज भी मिलेगी। तो वीडियो तो बाद चैनल में जी वीडियो वधिया लगी तो चैनल में सबसक्राइब जरूर करियो, वीडियो में लाइक तो कमेंट जरूर कर दियो। तो चलो जी, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप अपनी वीडियो शुरू करते हैं तो सीखते आप बहुत वधिया वधिया इंटरेस्टिंग चीज़ा। तो चलो जी, हाँ जी, तो अज अपनी क्लास थ्री है। इस तो पहला मैं क्लास वन ते क्लास टू की वीडियो अपलोड करी है ते जे किसी ने नहीं देखी तो तुम उन्होंने भी जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे विच उन्होंने भी लिंक पे ने। तो चलो जी, सब तो पहला जिहड़ा इंग्लिश दे विच काफ़ी मतलब कि वड्डी अपडेट लगाओ यह दैट इज़ कॉल्ड ईट ते ड्रिंक। आपां सबनू पता है कि ईट का मतलब हुंदा खाना ते ड्रिंक का मतलब हुंदा कोई चीज़ पीना, जिवें आपां स्कूल वगैरह दे विच यूज़ करिया करदे सीगे मे आई गो टू ड्रिंक वॉटर। ते उस तो बाद मतलब कि अजकल इन्हां वर्ड नू रिप्लेस करता जिहड़ी मॉडर्न इंग्लिश है उहदे नाल, ते अजकल आपां की यूज़ करदे आ इन्हां दी जगह ते द टेक। हुण हरेक जगह ते टेक दा मतलब कि टेक दा मतलब लैणा। तां फिर मतलब कि मैनू एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया, कहिंदे सर फिर भी आपां टेक दा मतलब तो लैणा हो गया ते लै के तां आपां किसी होर नूं भी दे सकदे आ, फिर भी वह फिर खाना किवें हो गया। तो माई डियर स्टूडेंट्स, मैं तुहानूं अंडरसटैंड करवाना, देखो टेक दा मतलब हो गया लैणा। उस तो बाद अजकल जिहड़ा ये वर्ड यूज़ हो रहा है किवें हो रहा है, टेक ब्रेकफास्ट, टेक लंच, टेक टी, टेक कॉफी। तो उस तो बाद जो मैं बच्चे ने क्वेश्चन किया कि टेक का मतलब तो हो गया लेना तो लैके कहना आप किसी होर भी दे सकते हैं। तो माई डियर स्टूडेंट वो हों सर्व करना, जो आप किसी होर लैके या किसी अदर परसन चीज़ दे दें तो वी पीपल सर्व। जिमें इस वर्ड तो ही वर्ड बने सर्वेंट, सर्वेंट का मतलब हम नौकर। सर्व हो गया जो आप किसी को कोई चीज़ दें या कोई चीज़ वगैरह पास करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड सर्व। तो सर्वेंट हो गया जी नौकर। चलो नैक्सट आप करते हूँ अपना, तो आई होप कि तुहानू क्लीयर हो गया होगा। तो अज तो बाद यूज़ करांगे टेक ब्रेकफास्ट, टेक लंच, टेक डिनर, यानी कि तुसी ए वाला वर्ड यूज़ करोगे। चलो जी नेक्स्ट, यानी कि ड्रिंक वाटर। ड्रिंक वाटर बड़ा मतलब कि पहला यूज़ होया करता सीगा, ईट चपाती, ड्रिंक वाटर, मतलब गलत नहीं हैगा जे तुसी इहनू यूज़ करोगे, बट डेफिनेटली तुहानू मॉडर्न इंग्लिश का भी पता होना चाहिए। क्योंकि देखो पहला कंप्यूटर सीगा, जो तो स्टार्टिंग दे विच एक कंप्यूटर बनया सी तो कंप्लीट एक पूरे दे पूरे एक बहुत वड्डे कमरे जिड्डा सीगा, ते उस तो बाद अज की हो गया वो कंप्यूटर छोटा हो गया, यानी कि एक लैपटॉप के रूप के आ गया, तो आपां लैके कित भी बैठ सकते हैं। तो ये तो चीज़ अपन बड़े वधिया तरीके क्लीयर हो गई। उस तो बाद आप गल करते हैं वोवल लैटर्स की। हुण जे मैं तुहानू कोई कहाँ कि वोवल लैटर्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नूं पता होंदे ने स्कूल वगैरह च करे होंदे ने कि वोवल्स लैटर्स होंदे होंदे ने जी, ए ई आई ओ यू, इन्हां नूं वोवल लैटर्स कहा जाता है। जी मैं क्वेश्चन करा कि इन्हों वोवल लैटर्स क्यों कहा जाता है, यानी कि अपन पता होना चाहिए ना कि अपना कि इन्हों वोवल लैटर्स क्यों कहा जाता है। तो सब तो पहली गल है वी पीपल कॉल दैट साउंड लैटर्स, अपन इन्हों साउंड लैटर्स भी कहने। साउंड लैटर्स क्यों कहने, क्योंकि अपनी जिमें मन के चलो जिमें इन्हें अपने एक पंजाबी दे विच जिमें अपने सिहारियां विहारियां होंदियां ने उस चीज़ का कम करते हैं इंग्लिश दे विच, ते तां करके इन्हां नूं साउंड लैटर्स भी कहा जाता है। तो फिर एक एग्जाम्पल दिना जिमें संदीप हो गया, देखो संदीप दे विच यानी कि कोई भी वर्ड इन्हां तों बिना अधूरा है। मान के चलो जिमें संदीप आ गया, संदीप दे विच एस ए आ गया, मनप्रीत, मनप्रीत दे विच एम ए आ गया, यानी कि वोवल तां आ गया ना। तो एक इंग्लिश का वर्ड बड़ा ज़्यादा फेमस है तो मैं तुहानूं थोड़ी देर च दिखा दिना वो उपर करके, यानी कि तो वर्ड तो तुसीं इस तों पहले सोचो कि इंग्लिश का यह जहाँ केड़ा वर्ड है जिदे विच सारे दे सारे अपने जिहड़े साउंड लैटर्स ने यानी कि वोवल सारे दे सारे आ जाते हैं, तो केड़ा वर्ड हो सकता है। तुसी अपने माइंड दे विच सोचो
जे तुहानू पता है तां तुसीं वीडियो नू रोक के हुणी जाके नीचे कमेंट करके आओ जे तुहानू पता है, नहीं तां फिर मैं तुहानू थोड़ी देर शो करी दिंदा। तां जी ओ वर्ड हैगा मतलब कि जिहड़ा ज़्यादातर यूज हुंदा वर्ड ओह अपना, ते बहुत सारे लोग उस वर्ड की प्रोनाउंसीएशन भी रोंग दिंदे ने, तां जिहड़ी उहदी राइट प्रोनाउंसीएशन है यानी कि अज दे टाइम की प्रोनाउंसीएशन है मैं तुहानू ओह भी दसूँगा। चलो जी वो है जी अपना वर्ड यही वाला, बहुत सारे लोग इनू एजुकेशन भी कहते हो, दिस इज़ नॉट अ अज के टाइम के एजुकेशन नहीं है, इट्स एडुकेशन। यदि जी प्रोनाउंसीएशन है वो काफ़ी हद तक चेंज होगी, इट्स कॉल्ड एडुकेशन नॉट एजुकेशन। मेरा कोई भी स्टूडेंट्स इनू एजुकेशन नहीं कहूगा, एडुकेशन बोलूगा, तो दैट इज़ कॉल्ड एडुकेशन। जिमें अपना एक वर्ड है थैंक यू, थैंक यू तो वह तो चलो तुम स्पैलिंग तो तुम पता ही ने, जिमें थैंक यू वर्ड तो बहुत सारे पहले टाइम के थैंक यू कहा जाता सीगा, बट अज के टाइम के थैंक यू कहा जाता, थैंक यू यदा मतलब है नहीं कि तुम तोतला जहा बोलोगे भी थैंक यू, देखो मैं तत्ते बोल रहा तो माई डीयरस तो उन्होंने इस तरीके बोलिया जाए थैंक यू, थैंक यू। यानी कि इंग्लिश पीपल यानी कि अंग्रेज की कहते हैं कि जो तुम इन थैंक यू बोलते हो तो तुम प्यार बोलते हो, एनी भी अगले एनी भी अपना है ना आप अगले दे इट मंगू मारिए भी थैंक यू, नो जी बड़े प्यार थैंक यू, मतलब कि फेस से देखना चाहिए भी सच्ची धन्यवाद कर रहे आप अगले का, ए नहीं भी इट मंगू बगा तो अगले का नहीं भी थैंक यू। तो उम्मीद तो ध्यान जरूर रखा करो, इंग्लिश के रिएक्शन भी काफ़ी मैटर करते हैं। मन के चलो तुसी किसी ने तुहानू क्वेश्चन करता कि हाउ आर यू, तो तुसी कहता आई एम गुड, तो गुड तुहाडे फेस ते दिखना भी चाहिए, ऐ नहीं कहता कि आई एम गुड, मतलब कि दिखना चाहिए तुहाडे फेस ते गुड, जे नहीं है कि गुड आई एम नॉट गुड तो वो भी दिखना चाहिए कि नहीं भी बंदा गुड नहीं है गया। तो रिएक्शन बहुत मैटर करते ने इंग्लिश दे विच। चलो जी तो नैक्सट आप कर लें, तो देखो जिमें आप वोवल की गल कर रहे थे तो एक है मतलब कि यह एवं का वर्ड है जी वोवल की, यानी कि यह एक एडुकेशन एक एवं का वर्ड है जिदे विच सारे दे सारे लैटर्स आ जाते हैं, तो मतलब कि यह वर्ड काफ़ी फेमस है, तो उम्मीद करूँगा यदि प्रोनाउंसीएशन तुम बिल्कुल सही दोगे। तो नैक्सट जी अपना मन के चलो को सूँ पता कोई भी मतलब कि इन्हें सहारियां बिहारियां भी इन क्यों कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी वर्ड इधर तो बिना अधूरे ने इंग्लिश दे विच। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा तो नाम लगा के देखो तो थोड़े तो नाम दे विच देखो कि वोवल आंदा है ना, तो कोई भी वर्ड नू कंप्लीट होने के लिए ये जरूरत पैंदी ही पैंदी है। जिवें कोई छोटे मोटे वर्ड हो गए तो जिवें हो गया सकाए हो गया एस के वाई स्काई यानी कि आसमान, जिवें हो गया एच एम टी, चलो ये एक ब्रांड का नेम है कंपनी का नेम है, तो उस तो बाद मतलब कि छोटे छोटे वर्ड्स नहीं जो कोई वर्ड एक लोंग टर्म के जाता है तो उन्होंने यदि हैल्प लेनी ही पैंती है कंप्लीट होने वास्ते। तो चलो जी तुम्हें पता है ए पूरी इंग्लिश के सिर्फ एक ही एवं का वर्ड है जिहड़ा हुण तक सिक्स लैटर्स तक पहुँच गया, सॉरी ये तो कट रहे हाँ सिक्स लैटर्स तक पहुँच गया, बट उहदे विच हजे तक कोई भी वोवल नहीं आया है। तो उम्मीद करूँगा जे तुहानू वह वर्ड पता है तो कमेंट के जरूर क लिख दियो, जे नहीं पता तो जो भी कमेंट आऊगा या तो मैं खुद रिप्लाई कर दूँगा तुहानू कमेंट के सब तो जो भी बच्चा उस वर्ड में कमेंट करूँगा तो मैं उन्हों का कमेंट पिन कर दूँगा, यानी कि उन्हों का कमेंट सब तो उपर ही रहूगा। तो जे तुहानू वह वर्ड पता है तो डेफिनेटली कमेंट जरूर करियो, नहीं फिर मैं तक कमेंट करके तुहानू दसी दूंगा। चलो जी यानी कि इंग्लिश का यह जहा वर्ड जिदे विच कोई भी वोवल नहीं आता है, तुसी उन्हूं नीचे कमेंट जरूर कर दियो, कमेंट बॉक्स तुहाडे लई खाली पे है। तो उम्मीद करूँगा कि अज की वीडियो तुहानू इंट्रस्टिंग लगी होगी तो सीखने वास्ते भी तुहानू मिलिया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी होर वीडियो दे विच, तां नैक्सट ही मैं जल्दी ही मैं क्लास फोर की भी वीडियो लेके आऊँगा जिदे विच तुहानू होर काफ़ी सारी नॉलेज दूंगा। उम्मीद करूँगा कि तुम्हें क्लास लगा के वधिया लग्या होगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, कीप इन टच, संदीप अकैडमी पतला।